हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, लाइफ में कभी भी एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि जब सेम टाइम को आपको रोना भी आए एंड सेम टाइम को आपको हंसी भी आए, तो आप समझ जाइएगा वो आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। एंड ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कराती है जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी रिव्यू करने वाले हैं 777 चार्ली। सो उससे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल फिल्मी कर टॉक में मैं शिव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आपकी अच्छी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक बात और पूछना चाहूंगा यार, इस साउथ इंडस्ट्री के जितनी भी मूवीज आ रही हैं या जितने भी इसके राइटर हैं, भाई साहब आप क्या खा के स्टोरी लिखते हो यार? मीन्स एक के बाद एक बार आप ब्लॉकबस्टर मूवी दे रहे हो यार। कुछ तो हिंट दो हमारे बॉलीवुड वालों को, कुछ तो टिप दो ताकि उनको भी शायद से ऐसी स्टोरी। Once more! बात कर ले मूवी की, तो देखिए ये कोई कॉमेडी मूवी नहीं है, बट इसका फर्स्ट हाफ इतना बेहतरीन बना है कि यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ टू लाफ, मतलब इट मेक यू लाफ, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। अनदर हाफ इज मेक यू क्राई, समटाइम मेक यू स्माइल, मीन्स इट विल बी योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन थिएटर। और अगर आप पेट लवर हैं तो भाई साहब ये मूवी आपके लिए, अगर आप डॉगी लवर हैं या पेट लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो पेट लवर नहीं है वो ये मूवी नहीं देख सकते, बिल्कुल आप भी देख सकते हो। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी का प्लॉट जो है वो बेस्ड है एक ह्यूमन एंड एक डॉगी के बीच का जो रिलेशन होता है, जो कनेक्शन होता है एंड जो फीलिंग्स होती है, उसी प्लॉट पे सारी स्टोरी उसके इर्द गिर्द लिखी गई है। और काफी बेहतरीन स्टोरी है, एक नई फ्रेश स्टोरी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया जो आपको इलॉजिकल लगे, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी ऐसे सीन नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल करे। स्टार कास्ट की बात करूं तो अक्षय छेत्री की, सो इन्होंने इस रोल में कमाल किया है, एंड व्हाट एन एक्टर है, एंड व्हाट एन एक्टिंग रो, एंड मींस माइंड ब्लोइंग एंड ब्रिलियंट। स्पेशली जिनके बारे में बात करूंगा, यानी डॉक्टर राज शेट्टी, मींस वो इस मूवी में सच में एक पेड डॉक्टर है, बट जब जब वो स्क्रीन पे आए हैं आपको हंसा के गए हैं। संगीता श्रृंगेरी इज ऑल्सो गुड इन देयर रोल, बट जब बॉबी सिम्हा की एक छोटा सा सीन है, बहुत ज्यादा नहीं बट इम्पोर्टेंट सीन है, एंड जो इनकी एंट्री सीन है भाई इतनी बेहतरीन है कि आप क्लैप करोगे, सीटी बजाओगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उनकी एंट्री सीन मास मसाला है, बट व्हाट इन टाइमिंग, जिस जो टाइमिंग है उनके एंट्री का कि वो टाइमिंग इतना बेहतरीन है कि आप क्लैप करोगे उनके लिए। मूवी की मेन लीड यानी जो इस मूवी में जो डॉग दिखाया गया यानी चार्ली, जी बिल्कुल उसका रियल नेम भी चार्ली है, और क्या एक्टिंग की है। डॉग और रक्षित शेट्टी के बीच जो इमोशनल सीन बन पड़े हैं इस ब्रिलियंट एंड क्लासिक। और तारीफ करना चाहूंगा मूवी के डायरेक्टर यानी किरण राज की एक बेजुबान से उन्होंने जो एक्टिंग कराई है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा ली है, यू आर ग्रेट। सो ओवरऑल मूवी जो है वो फास्ट पेस है, इंगेजिंग है एंड ग्रिपिंग है, इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि आपको पकड़ के रखती है एंड कहीं भी आपको बोर नहीं होने देती है। इमोशन को इतने बढ़िया से शोकेस किया गया है कि आप आसानी से कनेक्ट हो जाते हो, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ही आप सेट हो जाते हो अपने सीट पे, मूवी आपको इतना अच्छे से ग्रिप करती है। स्क्रीन प्ले भी काफी कसा हुआ है, एंड ओवरऑल मूवी को अगर एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो इट इज क्लासिक मूवी एंड कनाडा इंडस्ट्री की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी है। मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि ये मूवी मस्ट वॉच है, आप जाके देखिए, पैसा वसूल है मूवी। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए और देखिए। साथ ही साथ अगर आपने देख लिया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।